केरल के वायनाड में तबाह हुए गांवों से मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। सेना की ओर से पुल बना देने से बचाव और राहत में तेजी आई है। वायनाड की घटना में मौत का आंकड़ा 300 पार हो चुका है। शव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक 346 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 300 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 180 लोगों का इलाज चल रहा है। 90 शिविरों में 9000 से ज्यादा लोगों को जरूरी सामान दिए गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना के अलावा काम में लगी एजेंसियों के उत्साह की सराहना करते हैं। केरल में आज भी बारिश का अलर्ट है। सेना ने बताया कि अब वायनाड में मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वायनाड में ग्राउंड मैपिंग के लिए केरल प्रशासन की तरफ से ड्रोन मांगे गए थे। इंडियन एयरफोर्स के C-130 सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट से 4 ड्रोन केरल पहुंच गए हैं। हिंडन एयरबेस ने C-130 सुपर हरक्यूलस के कलिकट पहुंचे। जो ड्रोन यहां आए हैं उनमें एक खास सेंसर लगे हैं जो 80 से 90 मीटर गहराई तक किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। ये ड्रोन एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती है। वायनाड में बड़े एरिया में लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए कई अलग हिस्सों में बांटकर ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। वहीं प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलाके की मैपिंग की जाए ताकि राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियां मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। भारतीय सेना ने शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पदवेट्टी कुन्नू वायनाड में फंसे लोगों में 4 को जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन के दौरान पूरी सावधानी बरती जा रही है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया गया ताकि फंसे हुए लोगों को वक्त रहते बचाया जा सके। बचाई गई महिलाओं में एक के पैर में दिक्कत हो रही थी तो उन्हें जरूरी मेडिकल मदद दी गई। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक ने बताया कि राज्य के 242 प्रवासी मजदूर केरल के लैंडस्लाइड प्रभावित वायनाड जिले में फंसे हुए हैं। राज्य प्रशासन ने फंसे 155 श्रमिकों से संपर्क कर लिया है और दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि फंसे हुए प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, पश्चिम मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और वीरभूम जिले के हैं। मंत्री ने कहा कि यदि मजदूर प्रभावित क्षेत्र से वापस लौटना चाहते हैं तो राज्य प्रशासन परिवहन की व्यवस्था करेगा और उनकी देखभाल करेगा। पश्चिम बंगाल से कुल 21,59,737 मजदूर देश के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं।